पाकिस्तान की गुज़िश्ता हुकूमत ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर इंतहाई सुस्त रवि से काम किया। मौजूदा हुकूमत ने काम में तेजी लाने का इरादा किया। पाकिस्तान में चीन के सफीर यूजिंग का लाहौर चैम्बर में खिताब, आपकी पॉलिसियों में फुकदान है चीन समेत दीगर ममालिक की सनतें, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रही। चीनी सफीर ने पाकिस्तान की सनती पॉलिसी पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। पीएसी समेत कायमा कमेटियों का मामला, हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने तीन रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मलिक नदीम कामरान, समीउल्लाह खान और चौधरी शफीक शामिल। हुकूमत की नुमाइंदगी वजीर कानून राजा बशारत करेंगे। कमेटी हुकूमत से कायमा कमेटियों की तश्कील का फार्मूला समेत दीगर तस्फिया तलब मामला तय करेगी। मुज़ाकरात शुरू। कातिल डोर, एक और बच्चा पतंगबाजी के खूनी खेल की भेंट चढ़ गया। मिस्री शाह में 14 साला सोहेब ने कटी पतंग को लूटने की कोशिश में डोर को पकड़ा ही था कि डोर बिजली के तारों पर जा गिरी और करंट लग गया। बच्चा जहां बहक हो गया। मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। वालिदैन को गशी के दौर। पतंगबाजी खूनी खेल है, बसंत की इजाजत देना इंसानी जानों के लिए खतरा। जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त, बसंत की इजाजत को कालादम करार देने की इस्तदा। हाईकोर्ट का चीफ सेक्रेटरी, आईजी और दीगर को बुलावा, 15 जनवरी को जवाब तलब। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मजीद समाअत के लिए दरख्वास्त जस्टिस अमीनुद्दीन को भिजवा दी। हद से भरना महंगा पड़ गया। फयाजुल हसन चौहान सहाफियों के निरखे में, असेंबली आए डाइस पर पहुंचे, बात करना चाही तो सहाफियों ने बायकॉट बायकॉट के नारे लगा दिए। बात का मौका ना मिला तो ऐवान की तरफ चल दिए। चलते चलते सहाफियों को बदतमीजी की वजह भी बता दी। बोले, सवाल से पहले चिट आई, लिखा था बीवी की तबीयत ठीक नहीं, परेशान था, समझ ना आया और बोल गया। किसी को बुरा लगा हो तो माजरत खा। आपको पता है मेरी मिसेज कौन है? आपकी कश्मकश जिंदगी, मैंने रोते रोते तकरीर की काजी साहब की याद में। सहाफी ये कहता है कि जिस काजी हुसैन अहमद की याद में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उस काजी हुसैन अहमद का अमीर ये इमरान खान साहब के हवाले से बातें करके गया है। उस मौका मुनासिबत से वो गलत सवाल था, मैं टेंशन में था, मैंने उस तरीके से जवाब दे दिया। अगर किसी को बुरा लगा, वेरी सॉरी। मुल्क दाव पर लगा है, हुकूमत में अहलियत ही नहीं, हमने क्या गिराना है, खुद ही गिरेगी। बिजली की लोड शेडिंग, तवानाई बहरान, मुल्क की मईशियत आज वेंटिलेटर पर और कौम सकते में है। हुकूमत में मेट्रो ट्रेन मंसूबा मुकम्मल करने की अहलियत ही नहीं। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, वजीर इत्तलात की सहाफियों से बदतमीजी की भी मजम्मत। बोले, अब तो सहाफियों पर भी बिजली गिराई जा रही है। मेट्रो ट्रेन का पहिया जून जुलाई तक चल पड़ेगा, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का ऐलान। 300 अरब रुपए लग गए, मंसूबा बंद नहीं कर रहे। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की हरकत पर सीनियर वजीर की माजरत। हुकूमत की जानिब से सहाफी बरादरी से माफी मांगता हूँ। अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। हमारे जो भाई हैं, जो हमारे कुलीग हैं पंजाब में, मैं तो उनका जवाबदेह था, मैंने उनके लिए आप सबसे माजरत कर ली है। और मैं अगर इस लहजे को या इस तरीके को पसंद करता होता तो कभी माजरत न करता। हनीफ अब्बासी की बेटी को किसी ने हिरासा नहीं किया, इंक्वायरी मौजूद है, हमने किसी को निकालना होता तो आते ही निकाल देते। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का पंजाब असेंबली के फ्लोर पर इजहार ख्याल। पंजाब असेंबली का इजलास कल तक मुलतवी, पहले 5 इजलासों में हल्फ ना उठाने वालों की रुकनियत मंसूख की जाए। पंजाब असेंबली के कायदो जवाबित 1997 में तरमीम का नोटिस पंजाब असेंबली में जमा। जो शख्स हल्फ ना उठाए, रुकनियत मंसूख की जाए। तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असेंबली मोमना वहीद की जानिब से जमा कराए गए नोटिस का मतलब। हेलमेट की पाबंदी को खातिर में ना लाने वालों के गिर शिकंजा मजीद सख्त, अब हेलमेट के साथ मोटरसाइकिल भी बंद होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने अहकाम जारी कर दिए। जराए बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को ईंधन फराहम करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। शहरियों को तहफ्फुज़ात का इजहार, दिल और सांस के मरीजों को हेलमेट की छूट देने का मुतालबा।
रायविंडो गिरदो नवाह में गैस की बंदी, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। सुंदर इंडस्ट्रियल स्ट्रेट में सुई गैस रायविंड सर्कल ऑफिस का घिराव, शदीद एहतजाज। सुई गैस अमला दफ्तर के अंदर महसूर, हमारे हिस्से की गैस इंडस्ट्रीज को दी जा रही है, खाना पका सकते हैं ना और कोई काम। मुजाहरी शहर में हर तरफ महंगाई करार, सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गईं, 8 से 10 रुपए इजाफा। आलू 11 की बजाय 15 से 20 रुपए में फरोख, हंडिया की बुनियादी जरूरत। प्याज लहसुन और अदरक की कीमत में भी 10 रुपए तक बढ़ गई। टमाटर की कीमत तो बिल्कुल ही आपे से बाहर, सरकारी रेट 30 रुपए जबकि 50 से 60 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रहा। मुर्गी के गोश्त को भी पर लग गए, कीमत में 3 रुपए इजाफा, रेट 158 रुपए से बढ़कर 161 रुपए फी किलो हो गया। शहरी चकरा कर रह गए। लाहौर न्यूज ने उठाया शहर को चमकाने का बीड़ा। लाहौर न्यूज के निशानदही पर सफाई की निगरान कंपनियों ने एबिट रोड को चमकाया, साथ ही इर्द गिर्द की गलियों और सड़कों की सफाई सुथराई भी की। एबिट रोड पर लग गया आगाही कैंप, जारी है कूड़े के खिलाफ जंग। दुकानदारों और रिहायशियों में वेस्ट बैग्स और आगाही पैम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। लाहौर न्यूज की मदद से शहर को खूबसूरत बनाएंगे अफसरान सफाई कंपनी। आपकी खिदमत में लाहौर न्यूज एक कदम और आगे। अगर गंदगी और तापुन से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका, कूड़े और गंदगी की फौरी फुटेज या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज के इस नंबर पर 03444450192 पर। हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे अरबाब इख्तियार तक। आम इंतखाबात में फराइज सर अंजाम देने वाले अदालती अमले की सुनी गई। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने 13,71,00,000 के फंड जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लाहौर और अदालती अमले के लिए 1,30,25,000 रुपए का एजाजिया जारी। पाक भारत तालुकात पर जमी बर्फ पिघलेगी, साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने पेश गोई कर दी। कहते हैं खुत्ते में सालमियत और सिक्योरिटी की सूरत हाल पाक भारत तालुकात पर मुनहसर है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जनूबी एशिया में जमहूरियत, गवर्नेंस और सिक्योरिटी के मौजू पर बैन अलावामी कॉन्फ्रेंस से हसन अस्करी और शमशाद अहमद का भी खिताब। गाड़ियां भी हिफाजत के हिसार में, लिबर्टी में ई पार्किंग शुरू। गाड़ियों के आने और जाने पर कैमरे की नजर, ओवर चार्जिंग और करप्शन की मुसीबत से छुटकारा। लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से शहरियों के लिए एक और सहूलत। कस्टम्स इंटेलिजेंस की सगी अंपुल के करीब बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की 16,000 किलो से जायद की स्मगल शुदा छालियां कब्जे में ले ली गई। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया। पुरकशिश नंबरों की नीलामी का दूसरा रोज, महकमा एक्साइज के दफ्तर में दूसरे रोज भी रौनकें। कमर्शियल गाड़ियों की सीरीज LES 19 की नीलामी 1 नंबर 1 लाख में बिका, 786 नंबर 1,26,000 में फिरो। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वाहिद अदाकार फन के सुल्तान, सुल्तान राही की आज 23वीं बरसी। लाजवाल अदाकारी की बदौलत 41 बरसों तक मद्दाहों के दिलों में बसने वाले अदाकार को आवाम कई सालों बाद भी ना भुला सकेगी।